ऐसा लगता है कविता बुला रही है। ये तुझे बुला रही है। अबे अबे सुन 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 आना जा तो रहा है उससे मिलने, लेकिन हमारे बारे में याद रखना समझा। ओके ओके ओके। कुछ बेवकूफ है जो कॉलेज में आने के लिए आपको टक्कर दे रहे हैं और उनसे कैसे निपटना है मैं बताऊंगी। हाँ बोलो कविता। कबीर इन्हें एक डेमो दिखाना है। क्यों नहीं, तुम्हारा बैठ दो। ये लो। गर्ल्स, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उन्हें कैसे संभालना है जो आपको टक्कर देते हैं। देखो हाँ। ए, जरा संभल के मुझ पे हमला करो। कैसे? ऐसे। क्या बात है यार, बस इतना सा? ए, ए, दूर जाओ। और दूर जाओ। और कितना? ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना ठीक है? अब लो आ गया। नाउ दिस इज कराटे। क्या है कविता, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे रुको तो सही, अब बोलो तुमने मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया? पहले तुम्हें पता था, फिर तुम्हारे पिताजी को पता चलता, ये बोरिंग था इसलिए डायरेक्टली ऊटी चले क्या? तुम तुम्हारे दोस्तों को लेके आना, मजा आएगा। मैं मेरे दोस्तों को ले आता हूँ। ऊटी चले या नहीं, बस इतना बता दो। बोलो हाँ या ना। तुम लोग रिएक्ट क्यों कर रहे हो? चोट तुझे लगी है, महसूस हमें हो रहा है। बेचारा। कविता 3 दिन से कॉलेज ही नहीं आई। चाय लाने के लिए बोलना। टी। जाके बोलना उसे लेके आए। ए पक्या 3 चाय ला यार। अरे यार वो हमें पता है। कविता 3 दिन से कॉलेज नहीं आई यार। तो मुझे आगे आगे आगे। बुरा लग रहा है? स्कूल में जाके पता कर ले, पहले ये तो बता मैटर क्या था। मैंने मेरे प्यार के बारे में उसे बता दिया तो उसने कहा। तू पागल हो गया क्या? तूने कविता को बोल क्या दिया? वो 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही है। और अगर तुझे ये लगता है कि समस्या का हल चाय है तो ये ले। ये तो गया। ए, कविता ने उसके बाद क्या किया? पापा। पापा? पापा? अच्छा, पर, ए, तुम्हें लगता है कि पापा को ऐसा बोलना चाहिए? आगे से अपने शब्दों का ध्यान रखूंगा। थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा तुम लोग मदुरई से हो क्या? मैं कबीर, ये मेलविन और ये नूर। मैंने नाम नहीं पूछा, गांव पूछा। ओ, तुम कहाँ से हो? मेरा गांव मदुरई के बाजू में। मदुरई में कहाँ? सेलम। सेलम से तुम कैम्बतूर में आए हो पीने के लिए? मैं उस टेंशन को नहीं ले सका, मेरी शराब जल्दी खत्म हो गई। तू भी गम में, ये भी गम में। यस, सो एंड सो। अच्छा यहाँ की क्या स्टोरी है? कविता बहन 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही, बस ये स्टोरी है। कविता तुम्हारी बहन है क्या? नो नो, नहीं नहीं। तो लव? हाउ? सेम टू यू। यू प्रोसीड। जब हमने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया है और अगर हमारे जीवन में किसी का प्यार नहीं है तो सब खाली लगता है। और वैसे ही भले ही हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर हमारे पास किसी का प्यार हो तो पूरी दुनिया मुट्ठी में लगती है। तुम लोग अभी कहाँ जा रहे हो? हम हॉस्टल जा रहे हैं। ओहो, आप कहाँ जा रहे हो? मैं गांधीपुरम जा रहा हूँ। हाँ, तुम एक काम करो, मुझे हॉस्टल में छोड़कर तुम लोग गांधीपुरम चले जाओ। ओके। ए, ए, उसे उतरने को बोल, हम पहुंच गए।
उसको उतरने को बोल। वो तो हॉस्पिटल के पास उतर गया। वो तो उतर गया। तो हम यहाँ आए क्यों हैं यार? हम क्यों आए हैं? पता नहीं। ठीक है। मैं तेरे पापा आ गए। वो तेरे पापा को पहचान लिया गया। गुड बॉय। वो कविता आ रही है। पापा यार। गुड बॉय। चल नीचे उतर तू। मेरे पिताजी ने भी देख लिया। उठा मुझे। उठा यार। कितनी अच्छी हो तुम। क्या मेरा कैसा लग रहा है? मेरी परमिशन के बिना फोटो कैसे ले सकते हो? तुम बहुत सुंदर दिखती हो, इसलिए क्लिक किया। क्यों, अच्छा नहीं है? आप ब्लड डोनेट कैंप क्यों लगा रहे हैं? अच्छी तो है पर मेरी परमिशन के बिना। सेल्फी टाइम। ऑटो ड्राइवर ने फोन किया था ना? हाँ किया था। अभी तक आया नहीं, पता नहीं वो क्या कर रहा है, इतनी देर हो गई। पता नहीं कहाँ रह गया था वो यार। उस दिन सिग्नल होने के बाद तुम्हारी बाइक बंद हो गई थी, मैं तुमसे पहले चला गया। फिर वो लड़की नीचे उतरी, मैंने उसे ठोक दिया और वो नीचे गिर गई। एम्बुलेंस के लोग मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मैं जैसे ही वहां से निकला, एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। फिर उन लोगों ने देखा कि तुम भी वहां पर गिरे हुए हो। लेकिन उन लोगों ने कविता को वहां से उठाया और निकल गए। यही हमारा प्लान था भाई। अभी तो ये जिंदा है। ए, अपने काम से दिमाग हटाने की कोशिश कर। बता क्यों किया ऐसा? इसके बारे में कुछ नहीं पता।
मुझे रमनी ने करने के लिए कहा था। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मत मारो, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो। ध्यान से सुन, उसका नाम कविता है। कल के जी थिएटर के पास मैं हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में तेरा इंतजार करूंगा। आके डिटेल्स और एडवांस लेके जाए। रमणी, क्या है इधर, क्या कर रहे हो? मुझे बर्थडे पर क्या देने वाले हो? अगर बताया होता तो भी नहीं बताती। वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? कबीर, मुझे इन्हें एक डेमो देना है, तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई? तुम नहीं समझोगे तुम्हारे पापा क्या सोचते हैं, तुम नहीं समझोगे कि मैं क्या सोचती हूँ, तुम ये भी नहीं सोचोगे कि दुनिया क्या सोचती है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये सोचकर ये कैमरा दिया कि उनका बेटा एक फोटोग्राफर बनेगा, पर उस पे पहली फोटो तुम्हारी इस हालत में थी। तुम कुछ नहीं समझोगे कबीर। वो एच प्लस हॉस्पिटल के एमडी है, वही ओ पॉजिटिव ब्लड के बारे में पूछ रहे थे। मैंने सिर्फ उनको एड्रेस ही दिया था और मुझे उस काम के लिए 40,000 रुपए मिले थे और मैं कुछ नहीं जानता नहीं।